नमस्ते दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी मिनी समोसा। जिसके लिए मैंने ये एक कटोरी मैदा ले लिया है। अब इसको थाली में डाल देंगे। आप चाहे तो आटा मैदा दोनों मिक्स करके बना सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ मैदे से बना रही हूँ। मैदे से ज़्यादा अच्छा बनता है समोसा। छोटे छोटे समोसे बनाएंगे, उसी को बोलते हैं मिनी समोसा। अब इसमें हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डाल दिया। इसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन लिया है, इसको मसल के अच्छी तरह ये डाल देंगे। आप चाहे तो कलौंजी डाल सकते हैं, मैंने अजवाइन डाला है। अब मैं 2 चम्मच के करीब घी डाल दूंगी। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, सरसों का तेल मत लीजिएगा, उससे भी आप मोइन दे सकते हैं। लेकिन जितना अच्छा घी से खस्ता बनता है, उतना अच्छा ऑयल से नहीं बनता है। अब इसको अच्छी तरह मसल के हम मिला लेंगे, इसको मोइन करेंगे अच्छी तरह। ये देखिए, अब अच्छी तरह से ये मुट्ठी में बनने लगा है। अब इसमें हम पानी डाल के इसको गूंद लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। ज़्यादा नरम नहीं करेंगे, थोड़ा सख्त ही करेंगे। जैसे पूड़ियों का आटा गूंदते हैं ना, वैसे ही गूंदेंगे। ये देखिए, ये मेरा आटा गूंद हो चुका है। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको ढक देंगे और ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम समोसे की स्टफिंग बनाते हैं। इसकी स्टफिंग के लिए ये मैंने आलू ले लिए हैं, एक बड़ा आलू लेके इसको उबाल लिया है। अब इसको छील लेंगे हम अच्छी तरह। आलू को छील लिया है, इसको अब तोड़ लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं तोड़ेंगे, बस ऐसे ही थोड़ा 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 छोटे छोटे टुकड़े रहने चाहिए। अच्छे लगते हैं ये मुँह में, जब खाने में लगते हैं ना तो स्वाद इसका अच्छा लगता है। आलू को मैंने तोड़ लिया है। अब एक पैन लेंगे, अब गैस ऑन करेंगे। गैस को मैंने कम रखा है। अब इसमें ऑयल डालेंगे, करीब 1 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे, बस ज़्यादा नहीं। ऑयल गरम होने देंगे। हरी मिर्च लिए, इस काट लिया, इसको डाल देंगे। इसको भी भून लेंगे अच्छी तरह। हरी मिर्च भून चुका है। अब इसमें ये धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच के करीब। लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाले जले ना। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है। अब इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। मैंने प्याज नहीं डाले हैं, आप चाहे तो प्याज डाल सकते हैं। थोड़े से मैं मटर डाल रही हूँ, ये मेरा फ्रोजन मटर है, ये जल्दी सीझ भी जाता है। अब इसको डाल के मिला लेंगे। अब जो आलू तोड़ के रखा था मैंने, वो डाल देंगे। इसको भी मिला लेंगे अच्छी तरह। थोड़ा सा हम डालेंगे चाट मसाला, ताकि 1 चम्मच के करीब भुना हुआ जीरा लिया है और उसको अच्छी थोड़ा क्रश कर लिया है, इसको भी डाल देंगे और इसको मिला लेंगे। अभी तक मैंने नमक नहीं डाला है, अब इसमें हम नमक डालेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, अच्छी तरह मिला लेंगे। अब ये थोड़ा सा मैंने मूंगफली, भुने हुए मूंगफली लिए थे, उसको भी डाल देंगे। अब इसको भी डाल के अच्छी तरह हम मिला लेंगे। मैं कसूरी मेथी ले रही हूँ और इसको भी डाल देती हूँ, इससे इसका स्वाद और भी अच्छा आएगा। इसको भी मिला लेंगे। अब गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं। सबसे पहले मैंने एक थोड़ा सा आटा ले लिया है, अब इसको गोले बना लेंगे अच्छी तरह। अब हम समोसा पट्टी बनाएंगे, बेल लेंगे। इतना पतला
अब इसको बीच से हम कट कर लेंगे। हमें ज़्यादा बड़ा नहीं मिनी समोसा बनाने हैं तो छोटे छोटे बनाएंगे। ये मैंने कट कर लिया है। अब स्टफिंग भी ठंडा हो गया है, अब इस समोसा बना लेते हैं। इसको सबसे पहले ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ के इसमें थोड़ा सा यहाँ पे पानी लगा लें ताकि निकले ना। निकाल पानी लगा के इसको सबसे पहले ऐसे करके ऐसे चिपका देंगे और अच्छी तरह इसको चिपका देंगे ताकि फ्राई करें तो खुले ना ये। अब इसमें जो स्टफिंग हमने बनाई है वो डाल लेंगे। सब डाल लेंगे और इसको ऐसे चिपका देंगे। इसे चिपका के थोड़ा सा बीच से ऐसे मोड़ देंगे, अच्छी तरह दबाएंगे ताकि जो भरी है स्टफिंग हमारा निकले ना। ये देखिए हमारा मिनी समोसा तैयार है। एक और बना लेंगे। ये इतने आटे के डो में मुझे 12 समोसे बने हैं। अब देखिए मैंने सारे बना लिए हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। मैंने तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। अभी गरम, थोड़ा और गरम होने देते हैं, अभी तेल गरम नहीं हुआ है। ये देखिए तेल गरम हो चुका है। अब एक एक करके हम समोसे इसमें डाल देंगे। ज़्यादा गरम नहीं कराया, नहीं तो ये ऊपर से पक जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। देखिए थोड़ा सा गरम हुआ है, धीमी आंच पे इसको हल्का हल्का गरम कर फ्राई करेंगे। एक तरफ से समोसा थोड़ा पक चुका है। अब इसको हम पलट देंगे आराम आराम से पलट के, नहीं तो बिल्कुल तेल मुंह पे पड़ेगा। ये देखिए एक तरफ से पक चुका है और आंच मैंने बिल्कुल धीमी कर रखी है। अगर तेज कर देंगे तो ऊपर से ये जल जाएगा और अंदर से बिल्कुल कच्चा रहेगा। धीमी आंच पे इसको पकाएंगे तभी ये बहुत अच्छा खस्ता और क्रिस्पी बनेगा। इसी तरह हम पका लेंगे। समोसा मैंने दोनों तरफ से पलट पलट के पका लिया है। अब ये समोसा बहुत ज़्यादा पक चुका है और क्रिस्पी भी हो गया है। अब इसको एक एक करके हम निकाल लेते हैं। ऐसे ही रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल हो इसमें निकल जाए। इसका मैंने निकाल लिया। अब दो मिर्ची हम फ्राई कर लेते हैं। समोसे के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो फ्राई कर लेते हैं। तो अभी इसी में निकाल लेंगे। अब मैं आपको प्लेट में लगा के दिखाती हूँ। हमारा मिनी समोसा तैयार है। आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी बना है। ये देखिए बहुत क्रिस्पी बना है। आप इस तरह समोसे, मेरे सब तरह से समोसे बनाए, घर के ही सामानों से ही बन जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है। और छोटे छोटे समोसे बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।